नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 17 अगस्त को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पावरफुल प्लैनेट, वो ग्रह जो इस पृथ्वी पर जीवनदायक माने जाते हैं, उनका संक्रांति होने जा रहा है और ये संक्रांति अपनी राशि में सिंह राशि में होने जा रहा है। मैं सूर्य की बात कर रहा हूं। सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता, हमारे बॉसेस, हमारे अथॉरिटी हैं। सूर्य हमारा मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी इम्यूनिटी, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य इस बार जब अपनी राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में जाएंगे, तो वहां उनके स्वागत के लिए पहले से मंगल एवं बुध उपस्थित होंगे। यानी राजा का प्रवेश जब सिंह राशि में होगा तो वहां पहले से सेनापति और युवराज उपस्थित होंगे। और इस कॉम्बिनेशन को और भी बढ़िया बना देता है देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट दृष्टि होगी इस कॉम्बिनेशन पर। तो इस ट्रांजिट को बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट समझना चाहिए और इसका असर हम सभी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, सरकारों पर पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। क्या होगा हर राशि हर लगन वालों पर प्रभाव, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और सूर्य को अच्छा करने के लिए कुछ बहुत सिंपल और बहुत ही प्रभावी रेमेडीज भी मैं आप लोगों को दूंगा। फ्रेंड्स, सन जिनको आत्मा कारक कहा जाता है, वो एक फेमिनिन राशि, एक स्त्री प्रधान राशि से, एक जलीय राशि से और एक चर राशि यानी कि मूवेबल राशि से अपने मूल त्रिकोण, जो कि एक फायरी राशि है, बहुत ही अग्रेसिव राशि है, बहुत ही डायनामिक राशि है और एक स्थिर राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। सूर्य जब भी सिंह राशि में आते हैं तो ये समय होता है अपने स्किल्स को बढ़ाने का, नए स्किल्स को सीखने का, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, बॉसेस, अपने पिता के साथ एक सकारात्मक एंगेजमेंट का, एक सकारात्मक संवाद का। सूर्य जब भी स्थिर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये समय होता है वेल्थ क्रिएशन का, और ये वेल्थ क्रिएशन जो होता है वह समृद्धि जो लाती है वो लंबे समय तक की समृद्धि होती है। यह जो समय होता है इसमें सूर्य देखिए क्या होता है, सूर्य जिस भी राशि में जाते हैं उसको आलोकित कर देते हैं, उसको प्रकाशित कर देते हैं और या तो उस राशि के सिग्निफिकेशंस को अपने तेज से जला भी देते हैं। सूर्य यदि हमारा मान और स्वाभिमान है तो सूर्य हमारा फॉल्स ईगो, गुस्सा, ईर्ष्या भी है। तो सूर्य आपके व्यक्तित्व को, आपके कृतित्व को, आपके स्ट्रेटजी को, आपके प्लानिंग को और धारदार भी बना सकते हैं या तो फिर इन सिग्निफिकेशंस को, ईर्ष्या, अभिमान, इन चीजों से जला भी सकते हैं। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट व्यक्तिगत लेवल पर भी हो जाता है। आप इस समय में देखिएगा कि गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेंगी और ये हम लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन में भी इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेने का समय होगा। इस समय आप एनर्जी से भरपूर होंगे, कॉन्फिडेंस से भरपूर होंगे किसी भी नए काम को शुरू करने का या पुराने कामों को जो रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महीने का पीरियड होने जा रहा है। और ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा, शक्ति कारक मंगल, बुद्धि कारक बुद्ध, जीव कारक गुरु और आत्मा कारक सूर्य का ये एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। ये बहुत ही फायरी राशि है सिंह राशि। आप लोगों को याद होगा मंगल जब सिंह राशि में आए थे तो मंगल के मग्घा में एंटर करने पर मैंने कहा था कि जंगलों में आग लगेगा, आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। अब जब मंगल और सूर्य दोनों साथ में आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि इन घटनाओं में और वृद्धि ही होगी। तीन प्लैनेट्स गंडांत को क्रॉस कर चुके थे, 17 जुलाई को
शुक्र ने किया था, 20 जुलाई को मंगल ने किया था, 9 अगस्त को बुध ने किया और अब 17 अगस्त को सूर्य क्रॉस करेंगे। तो जल से रिलेटेड त्रासदियां भी कुछ समय तक और आपको सुनने को मिलेंगी। मंगल एवं सूर्य दोनों के साथ आने से आप देखिएगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज इस विश्व में बढ़ेंगे। मंगल और सूर्य दोनों शनि के साथ षडाष्टक बना रहे हैं। देखिए अच्छा ये हुआ है कि शनि की सातवीं दृष्टि से दूर हो गए, पहले मंगल और फिर सूर्य, लेकिन अब षडाष्टक बनेगा शनि के साथ। इसके वजह से सिस्मिक एक्टिविटीज बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं आगे आने वाले समय में भूकंप की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। पांचवा भाव होता है काल पुरुष कुंडली का सिंह राशि। पांचवें भाव में दो फायरी प्लैनेट्स के आने का मतलब है पाचन संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकती है, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। दो फायरी प्लैनेट्स का एक फायरी राशि में आने से हमारा पैनक्रियास, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके वजह से एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। महिलाओं में अबॉर्शन मिस कैरेजेस की समस्याएं बढ़ सकती हैं, खास करके वैसी महिलाओं में जिनका फिफ्थ हाउस पहले से अफ्लिक्टेड है। सो इन सभी चीजों का हम सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। गुस्सा एवं ईगो इन चीजों में नहीं आना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, बहादुरी और मूर्खता में, मैं हमेशा कहता हूं एक बहुत ही थिन लाइन होता है। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस तो अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। व्यक्तिगत रूप से हर राशि हर लगन पर क्या फर्क पड़ेगा इसकी चर्चा हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एरीज, आपके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। एक तरह से समझिए तो आपके फिफ्थ हाउस में एक राजयोग बनने जा रहा है। आपके लग्न के स्वामी और फिफ्थ लॉर्ड आपके फिफ्थ में आ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से यदि आप किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपके लिए। नया स्किल सीखना, नए मंत्रों की प्रैक्टिस, नया कोर्स करना, इन सभी चीजों में बहुत लाभ होगा। फिफ्थ हाउस इन्वेस्टमेंट्स का भी भाव होता है। यहां से मंगल सूर्य और बुध आपके 11th भाव को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स में भी आपकी रुचि हो सकती है और उन इन्वेस्टमेंट्स का आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। बच्चों के तरफ से अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, लेकिन इस समय में ध्यान रखिएगा बच्चों के ऊपर, या आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर अपना ईगो, अपना गुस्सा लागू करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो संबंध बच्चों से भी खराब हो सकते हैं और आपके रोमांस पार्टनर के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। यहां से बैठकर मंगल की फोर्थ दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगा तो वाहन वगैरह चलाने के समय में सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, बाइल से रिलेटेड एसिडिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ये जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है ये आपके फोर्थ हाउस में बनने जा रहा है। फोर्थ हाउस आपके सुख का भाव है, आपकी माता का भाव है। इस समय में आप खुश रहेंगे ये मानकर चलिए, आपका मूड अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे। कोई भी नया काम शुरुआत करने का आप में वो जो एक जिजीविषा होता है वो रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य की परेशानी थोड़ी बहुत आ सकती है। माता जी आपके यदि किसी काम में है, मान लीजिए वो कोई जॉब करती हैं या कोई बिजनेस करती हैं, तो उनके लिए ये समय फायदेमंद होगा। आप स्वयं यदि किसी पब्लिक डीलिंग के काम में है, जैसे कि आप नेता हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इस समय में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और लोगों के साथ आपका एक बड़ा ही पॉजिटिव संबंध बनेगा। इस समय में पार्टनरशिप में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के समय में यह ध्यान रखिएगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको बढ़िया से डिसाइड कर लीजिएगा और पढ़कर ही डॉटेड लाइन पर साइन कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी आ सकती है।
बाकी घर वाहन दोनों खरीदने का इस समय में अच्छा योग बन रहा है। नौकरी व्यवसाय या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं या आप फ्रीलांसर हैं तो 10th हाउस पर अभी गुरु भी हैं आपके और 10th हाउस पर इन तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि भी है, तो काम से रिलेटेड हर चीज आपका अच्छा चलेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, यह पूरा कॉम्बिनेशन आपके 3rd हाउस पराक्रम के भाव में बन रहा है और ये जो कॉम्बिनेशन होगा आपके एनर्जी लेवल्स के लिए और आपके आगे के क्रियाकलापों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। 3rd हाउस मतलब बहादुरी, पराक्रम, इनिशिएटिव्स, क्रिएटिविटी, इन सभी चीजों में आप देखिएगा वृद्धि होगी। खास करके आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप जैसे मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे इस समय। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, यात्राओं पर जाने के योग बनते हैं। यहां पर बैठकर ये कॉम्बिनेशन जो है आपके 9th हाउस को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि का समय है। जैसा मैंने कहा धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं और लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्लेजर आउटिंग्स में आप जा सकते हैं, एक सडननेस वाला भी एंगल रहेगा इसमें, आपको सडन लाभ हो सकता है। जितना भी आप काम करना चाहें इस समय में आपको इनिशिएट करना चाहिए और उन कार्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। सो बहुत अच्छा समय है, इसको एनकैश कीजिए। कैंसर यानी कि कर्क, आपके 2nd हाउस में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2nd हाउस में इन प्लैनेट्स का बैठना फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा समय है। निवेश में, इन्वेस्टमेंट्स में आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ेगा, आगे बढ़ने का पूरा पोटेंशियल लेकर आया है ये ट्रांजिट आपके लिए, इसलिए इस समय को एकदम पॉजिटिव तरीके से लीजिए और इसको पूरा एनकैश कीजिए। आप किसी भी पारिवारिक व्यवसाय में तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपके परिवार की सामाजिक स्टैंडिंग, सोशल स्टैंडिंग में इस समय में वृद्धि होगी। आप यदि नया जॉब ढूंढ रहे थे तो नया जॉब ढूंढने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन 2nd हाउस में सूर्य और मंगल का साथ में रहना, वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि ये दोनों फायरी प्लैनेट्स आपको गुस्सा और आपके वाणी में संयम के बैलेंस को तोड़ सकते हैं, जिसके वजह से आपके संबंध खराब होंगे और इसके वजह से हो सकता है फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत आपको चपत लग जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 8वें भाव को सूर्य और मंगल देख रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने में थोड़ी सतर्कता रखिएगा और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, इसका लाभ उठाइए। लियो यानी कि सिंह राशि, आपके लग्न में ही ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपके लिए योग कारक प्लैनेट मंगल, आपके लिए लग्न के स्वामी सूर्य और 11th और 2nd के स्वामी बुध एक राजयोग भी बना रहे हैं और धन योग भी बना रहे हैं, तो इससे बढ़िया समय सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए नहीं हो सकता। दोनों हाथों से एनकैश कीजिए, आप जो भी कीजिएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन कमाने के लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। जहां भी जाएंगे वहां आपको यश मिलेगा, जो भी करेंगे उससे आपको धन अर्जन होगा, प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 7th हाउस पे मंगल और सूर्य की दृष्टि है तो स्पाउस के साथ वाद विवाद में मत पड़िए, वहां पर अपना ईगो मत लाइए। और 7th हाउस को सन और मंगल देख रहे हैं, सूर्य और मंगल देख रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अपने संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके लिए हर तरीके से ये बहुत ही बेनिफिशियल पीरियड रहने वाला। कन्या यानी कि वर्गो, आपके 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां से आपके 6th हाउस को देखेगा ये कॉम्बिनेशन, तो आपके समर्थक ग्रह तो सूर्य और मंगल नहीं है लेकिन आपके लग्न और राशि के स्वामी का भी इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनना स्थिति को थोड़ा सा संभाल लेगा। 12th हाउस में ये प्लैनेट्स बैठे हैं, 6th को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है,
लेकिन फिर भी बुद्ध स्थिति को संभाल लेंगे। विदेशों के साथ संबंध बनाने के लिए यह बहुत अच्छा पीरियड है। विदेशों से आपका पहले से कोई संबंध है या आप संबंध बनाना चाह रहे हैं तो एकदम आपके लिए हरी झंडी है और आप उस चीज को कीजिए, आपको पक्का लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में है या टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में है तो भी आपको बहुत फायदा देगा ये। जो स्टूडेंट रिसर्च के फील्ड में है उनके लिए ये बढ़िया समय है। लेकिन स्वास्थ्य में एक बैग उतार चढ़ाव आ सकता है। ट्वेल्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप थोड़ा सा सेवा भावी रहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दीजिएगा तो ये समय अच्छे से कट जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। तुला राशि यानी कि लिब्रा, आपके 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां से ये कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस को देखेगा। लाभ भाव, धन भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में एकत्रित हो रहे हैं। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लाभ भाव यानी कि 11th, 2nd और 9th, इनके लॉर्ड का एक जगह आना लाभ ही लाभ दिलाएगा। भाग्य वृद्धि के लिए भी बढ़िया समय है, धन अर्जन के लिए भी बढ़िया समय है। आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप जो भी करते हो ये समय बढ़िया है और आपका जो मनी का फ्लो है उसमें इंक्रीज होना ही होना है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए इस समय में आपको कोई अवार्ड मिल सकता है और वो कार्य सोशल कार्यों से रिलेटेड हो सकता है, तो इससे आपकी सोशल स्टैंडिंग में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। मां के स्वास्थ्य के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपने यदि पहले से कर रखे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स का लाभ तो मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज भी आपको इस समय में करते रहना चाहिए। इस समय में बच्चों के तरफ से भी आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। सो कुल मिलाकर यह बढ़िया समय है, इसका पूरा लाभ लीजिए। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके 10th हाउस में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां से ये सारे प्लैनेट्स आपके 4th हाउस को देखेंगे जहां गुरु बैठे हुए हैं। 10th में सूर्य, मंगल और बुध का बैठना और वहां पे गुरु की दृष्टि, कार्य करने के लिए, किसी भी काम के लिए, आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, ये बहुत अच्छा समय है। आप जो भी करेंगे वर्क प्लेस पर आपकी चमक और धमक दोनों बढ़ेगी। बॉसेस का, सीनियर्स का आपको पूरा वाहवाही मिलेगा, कलीग्स का रिकॉग्निशन मिलेगा, इज्जत बढ़ेगी। आपके यदि कोई कंपटीटर है वो आपके सामने इस समय में टिकेंगे नहीं, यदि सामने आ भी जाएंगे तो आप उनको धूल चटाने में सक्षम होंगे। ध्यान सिर्फ ये रखना पड़ेगा कि मंगल और सूर्य कहीं आपका ईगो को ना बढ़ा दे। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को सुनना सीखिए और क्रिटिसिज्म को यदि सुनना सीखिएगा, यदि डिक्टेटर बनने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो ये समय बहुत अच्छा कट जाएगा। यदि क्रिटिसिज्म नहीं सुनिएगा, डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड लाइएगा, तो मान बढ़ने के जगह अपमान हो जाएगा, लोगों की दृष्टि में आप नीचे चले जाएंगे। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आपके लिए यह कॉम्बिनेशन आपके भाग्य भाव में बन रहा है और वहां से आपके 3rd हाउस को यह देख रहे हैं। भाग्य भाव में 2 त्रिकोण के स्वामी और 1 केंद्र का स्वामी, इनका बैठना एक बहुत बड़ा राजयोग ट्रांजिट में बना रहा है, तो यह भाग्य वृद्धि का समय तो है ही, यह ज्ञान वृद्धि का समय है, धन वृद्धि का समय है, हर तरीके से उत्तम समय है। यात्राओं पर जा सकते हैं और उसका पूरा लाभ मिलेगा। लोग इस समय में आपके पास आपकी राय मांगने के लिए आ सकते हैं। कार्य क्षमता आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा, विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, आध्यात्म और हायर लर्निंग की ओर भी आप उन्मुख होंगे, दूसरों की मदद और चैरिटी में भी इस समय में आपका मन लगेगा। सो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम है,
इसका पूरा लाभ उठाइए। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके एट्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे ये तीनों प्लैनेट्स। आपके लिए ये गोचर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। एट्थ हाउस में ये सारे प्लैनेट्स हैं तो थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस, अनिर्णय की स्थिति हो सकती है, क्या करें क्या ना करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए इस समय में। गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस थोड़ा सा आपके लाइफ में बढ़ सकता है। रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी की स्थिति थोड़ी सी रहेगी, इसलिए इस समय में आपके लिए सबसे बढ़िया यदि कोई एडवाइस है तो वो ये है कि थोड़ा सा मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। उसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा वगैरह करते रहना चाहिए आपको। बाकी इंश्योरेंस के फील्ड में है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में है या कोई भी आप ऑकल्ट साइंसेस वाले फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपके लिए यह समय ठीक ठाक रह सकता है। आपके स्पाउस के लिए, उनकी आमदनी के लिए यह समय बढ़िया है, लेकिन आपका अपने स्पाउस, अपने बिजनेस पार्टनर्स, इनके साथ संबंधों में खटास ना आए, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, आपके सेवेंथ हाउस में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां से आपके फर्स्ट हाउस को यह देखेंगे। बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि शादी वगैरह करने का सोच रहे थे, उसमें परेशानियां आ रही थी, तो वो परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं या जो बिजनेस में हैं, खास करके पार्टनरशिप के बिजनेस में, उनको अपने संबंधों पर इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर ईगो या फायरीनेस या तुरंत हाजिर जवाबी, ये बहुत अच्छा नहीं सिद्ध होगा। आपके स्पाउस के लिए भी, वो यदि किसी काम में है तो पदोन्नति के लिए, उनके फायदा के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। अच्छा यही रहेगा इस समय में कि अपना वर्क प्लेस का ईगो, क्योंकि इस समय में ईगो बढ़ेगा, वो ईगो आप अपने घर में मत लेकर आइए या अपने बिजनेस पार्टनरशिप में मत लेकर आइए। वो यदि करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मीन राशि यानी कि पाइसिस, आपके सिक्स्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और वहां से आपके ट्वेल्थ हाउस को ये सारे प्लैनेट्स देखेंगे। देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बढ़िया ही समय रहेगा आपके लिए। क्यों बढ़िया रहेगा? इस समय में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी और जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी तो आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगा। कॉम्पिटिटर्स इस समय में आपके सामने टिकेंगे ही नहीं। इस समय में आपका डेली रूटीन भी बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, अपने कलीग्स का बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा आपको। यदि पुराने किसी रोग वगैरह से पीड़ित हैं तो उसका समाधान, उसका निदान आपको इस समय में मिल सकता है। बॉसेस के साथ आपका संबंध जो है उसमें बेहतरी आएगी। आप इस समय में थोड़ा सा सिर्फ यदि डिसिप्लिन रहें तो आप कमाल कर सकते हैं। मेहनत की अधिकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मैंने कहा मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, तो मेहनत जब आप करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होना सीख लीजिएगा। रिलैक्स होना यदि सीख लीजिएगा, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन यदि कीजिएगा, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर नींद वगैरह नहीं आने की समस्या से आप दो चार हो सकते हैं। क्या रेमेडीज करना चाहिए सन के लिए? देखिए फ्रेंड, सन के लिए सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रेमेडी है, आप सुबह में जब उठते हैं तो फ्रेश होकर सूर्य नमस्कार कीजिए। कोई लागत नहीं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन सूर्य नमस्कार जब कीजिए तो मंत्रों के साथ कीजिए। सूर्य नमस्कार यदि आप करते हो या आप यदि देखिएगा गूगल पर, तो उसमें 12 पोस्चर्स हैं और हर पोस्चर का एक अलग मंत्र है और बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ऐसे ही सूर्य के 12 राशि के 12 अलग अलग मंत्र हैं। आप डेली सुबह उठकर यदि इन मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं पूरब की तरफ फेस करके, तो ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है सन के लिए।
स्नान करने के बाद एक 2 मिनट का उपाय है, तांबे के लोटा में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा अक्षत और थोड़ा लाल फूल या रोली डालकर, यदि गुरु को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो थोड़ा हल्दी डाल लीजिए। आप यदि सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र पढ़ के या सूर्य का कोई भी मंत्र पढ़ के, तो ये सन के लिए भी बहुत सुंदर उपाय है। सिर्फ 2 मिनट लगता है लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है और इसका आपके कैरियर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। सन के लिए, सन से जोड़कर भगवान राम को जोड़कर देखा जाता है, आप यदि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो ये सूर्य के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र सन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य यदि आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है तो तांबा का दान, तांबे के छोटे बर्तन का दान कर सकते हैं, या फिर गेहूं जो है उस अनाज को सूर्य के साथ जोड़कर देखा गया है, आप यदि गेहूं का दान करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। रविवार के दिन यदि आप नमक नहीं खाते हैं, नमक बार देते हैं या उपवास रखते हैं किसी भी तरीके का, तो ये सन के लिए बहुत एक्सलेंट रेमेडी है। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिट है आपने देखा, अधिकतर लोगों के लिए अच्छा ही ट्रांजिट है। और सन वैसे भी पिता है, इसीलिए किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। कुछ प्लैनेट्स सन के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन सन एक पिता की तरह अपनी रोशनी सभी को देते हैं, अपना गुडनेस सभी को देते हैं, तो ये अच्छा ही ट्रांजिट होगा। और सूर्य अपने मूल त्रिकोण में आ रहे हैं तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ सभी के लिए। छोटे छोटे उपायों को कीजिए और जो मैंने ध्यान रखने के लिए कहा है, ईगो, गुस्सा, इन चीज़ों को यदि मत लाइए तो ये ट्रांजिट आप सभी लोगों के लिए बढ़िया होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, लोगों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।